कृषि तथा आर्थिक की इस प्रैक्टिस सेशन में आपका स्वागत है। मैं मुन्ना सर छपरा से। आज का यह कंटेंट वर्ड पावर पर आधारित है। पिछले वीडियो में मैंने आर्थिक तथा कृषि के ऊपर चर्चा की थी। आज के कंटेंट में हम आर्थिक तथा कृषि के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, तो आइए देखते हैं। पहला स्टेटमेंट, अ स्टेट विदाउट गवर्नमेंट। अ स्टेट विदाउट गवर्नमेंट को अनार्की कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर टू, गवर्नमेंट बाय टू पीपल, जहां दो लोगों की सरकार होती है उसे बायर्की कहा जाता है। दो लोगों की सरकार बायर्की कहलाती है। गवर्नमेंट इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू, गवर्नमेंट इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू, कुछ लोगों के हाथों में जब सरकार होती है तब उस सरकार को ओलिगार्की बोला जाता है, ओलिगार्की। क्वेश्चन नंबर फोर, गवर्नमेंट बाय ऑल यूनिवर्सल रूल्स, वह गवर्नमेंट जो सारे यूनिवर्सल रूल्स को अप्लाई करती है, उस गवर्नमेंट को पैनार्की बोला जाता है। जहां सारे यूनिवर्सल रूल्स अप्लाई होते हैं उसे पैनार्की बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, गवर्नमेंट बाय फाइव रूलर्स, जहां पांच शासकों की सरकार होती है उसे पेंटार्की बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, गवर्नमेंट बाय मेनी पर्संस, जहां कई लोग मिलकर सरकार चलाते हैं उन्हें पॉलियार्की कहा जाता है। कई लोगों के द्वारा संचालित सरकार को पॉलियार्की कहते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन, गवर्नमेंट बाय द गॉड्स, ईश्वरीय सत्ता को थियार्की कहते हैं। ईश्वरीय सत्ता थियार्की कहलाता है। क्वेश्चन नंबर एट, गवर्नमेंट फ्रॉम एन इनर सेंटर ऑफ कंट्रोल, जो सरकार पर्दे के पीछे से संचालित होती है उसे एंडार्की कहा जाता है। एंडार्की, पर्दे से के पीछे से संचालित सरकार। क्वेश्चन नंबर नाइन, गवर्नमेंट बाय न्यू इनएक्सपीरियंस्ड ऑफिशियल्स, जहां नए अनुभवहीन अधिकारियों के द्वारा सरकार संचालित की जाती है उसे न्यूआर्की कहते हैं। इसे न्यूक्रेसी भी बोला जाता है। और आखिरी क्वेश्चन, एब्सोल्यूट रूल, जहां एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता होती है उसे ऑटोक्रेसी कहते हैं। तो उम्मीद है यह प्रैक्टिस सेशन आपको पसंद आई होगी। यह प्रैक्टिस सेशन हमारे फर्स्ट लेसन पर आधारित था। मिलते हैं कुछ नए शब्दों के साथ, तो अनुमति दें। नमस्कार।